देख सकते हैं। तो हम भी अब जगह जगह जाके जो करना था मान लेके जाते हैं, बोलते हैं हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं, तो स्वभाव में नहीं है तो बोल के चल दिए। किताब पहले आगे रहते आने में क्या दिक्कत है, बगले में था टालते हुए चला नहा धोकर अपने चले आए, क्या दिक्कत है। फिर हमको ध्यान में आया उस समय अलग अलग प्रकार से लोग करते थे योजना से, अब 5-6 महीना पहले से शुरू हुआ है पर फिर भी केवल विधायक योजना से नहीं होने वाला है। कितना कर लीजिएगा विधायक योजना से और सांसद योजना से भी, जब करना है तो पूरा करना है। पूरा करना जैसे नाला है तो पार्ट वाइज नहीं करना है कि 100 फीट हो गया फिर 200 फीट किए फिर 300 फीट किए, तो नाला का कुछ ऐसा फंड की योजना हम लोग बनाएंगे, सतेंद्र जी अशोक जी सब लोग हैं इनको बैठ लेगा प्रमुख लोगों के साथ, क्या हो सकता है कि पहल जो है मान लीजिए नाला का है तो पूरा स्ट्रेच दे यहाँ से वहां तक, जो भी योजना में जो पहले भी मेरा पारित हुआ है सबसे पहले जब बनते बनते हुआ था उसमें भी यही किए थे कि बड़ा योजना हो छोटा योजना हो पर सबसे बड़ा जो योजना है नाला सबसे पहले दे सड़क बाद में दे, तो सत्य जी से बात हो रही थी कभी ये भी कह रहे थे चूंकि जल जमाव है पूरी तरह से, जल जमाव का आकलन हम भी आए थे किसी बार मुझे पूरा भरपूर ध्यान में कि हम इधर आए थे तो एक बार जाके लॉजिस्टिक प्लान पहले क्या होता है, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब जैसे वहीं पर गए उनसे मेरी बात हुई अभी राजीव जी से बात हुई, राजीव जी से बोले कि भाई जो कर रहा है विचार मान लीजिए किसी एमएलसी का फंड है तो उनसे हम बात करें तो उसका एस्टिमेट देखना चाहिए। काम जब भी हो मेरा आग्रह है कि काम कोई भी करे चुप नहीं रहना है क्योंकि ये जनता का काम है, जनता के पैसा से, किसी का पैसा नहीं है भाई, आपका पैसा है, बहुत सिंपल बात है। तो काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है तो उसको हमको ठीक से निकालना, जैसे कि मेन फ्रंट में कहां जावे तो वो मामला नाला वाला जैसा बहुत दिन से टेंडर फंसा हुआ तो उसको क्लियर कराए, पर क्लियर कराने का मामला हुआ कि अभी आगे मामला कनेक्ट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया उसका सबसे बड़ा कारण है कि आगे मामला कुछ अधिग्रहण जमा हुआ है मामला, अब कैसे बनावे नाला निकल नहीं पा रहा है, उस योजना का सब लिमिट हो जाएगा। तो सब चीज कनेक्ट तो कहीं ना कहीं जाके होगा ना, पर यहाँ तो आपका लाभ है कि यहाँ बगले में नाला का है उसमें निकल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। इसी योजना का प्रकार का भी मान लीजिए सरकार है तो सरकार में हम लोग लाभ अलग अलग ढंग से ले सकते हैं। हम बात करेंगे कि मान लीजिए राज्य योजना के नाते हो चाहे और कुछ बड़ी योजना के नाते, अब वहाँ लेन वाली बात हो रही थी दीदी से भी बात हो रही थी वहाँ उस वाले विषय पर भी, और बीच में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग के लिए बात हो रही थी, एक बार देखते हैं पहले जाने के बाद थोड़ा हम भी समझ लेंगे कि कैसे कैसे योजना का राशि का थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करके कहाँ से और आ सकता है, उसके लिए पहल करेंगे। जो बिजली वाली समस्या पर वो हम बताए हैं कि जाने के बाद एक करके कोऑर्डिनेट करने का वो हम तारतम्य करवा देंगे कि एक बार एक दूसरे से बात हो जाए, जो कठिनाई आपको लगेगी हमको फिर निश्चित तौर पर आप बताने का काम कीजिए कि जो कठिनाई लगेगी वो बिजली वाला पे बात कर लेंगे। और यहाँ से जाने के बाद हम भी यही प्रयास करेंगे कि नाला का स्टेप बन जाए, क्योंकि बीच के फेज में खाली ध्यान में रहे कि वार्ड को सभा के माध्यम से मिल गया था कि सड़क नली गली बनाना है, तो उसी तहत जो वार्ड के तरफ से जो रिकमेंड होके गया है वो होगा, और वार्ड में भी पैसा की कठिनाई हो गई है। ये नहीं है कि लिख दिया तो वहाँ शेष हो गया, क्योंकि पैसा तो ऊपर से चलता है वहाँ आया निगम में फिर आएगा तब वार्ड में आएगा, जब निगम में आएगा तब तो वार्ड में आएगा, नीचे सीधे हो नहीं सकता किसी यहाँ पैसा पड़ा हुआ है। तो इच्छा में कमी नहीं है किसी की, ठीक है विलम्ब है वो अलग विषय है, पर इच्छा में कमी किसी की नहीं है, ना मेरे इच्छा में कमी है ना वार्ड पार्षद महोदय की इच्छा में कमी है, कहीं इच्छा में कमी नहीं है, उसको हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। केवल इतना है कि स्वाभाविक रूप से भाई यहाँ विषय ठीक हो जाए तो हम लोग इससे ज्यादा और क्या हम लोग को चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाए उसी दृष्टि से है, और भी बगल का कोई बहुत दूर नहीं है, बगल का है अभी, जैसे कि बता दे जैसे मनोज जी बता रहे थे कि यहाँ वाला पाटने वाला विषय पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि अभी क्या हुआ है बताने में, अभी ये है पर बाबा चौक वाला जो है पाटने के लिए सरकार से PWD के थ्रू अधिग्रहण हो गया, जैसे कालीकरण के लिए 8-9 सड़क कंसल्टेंसी में आया है वहां से हुआ है, अलकनंदा अपार्टमेंट का CDA बनने का है, उधर से हम लोग करवा है PWD से, जो जो योजना का लाभ सरकार के तरफ से मिल सकता है उसका प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक राशि अपने को मिल जाए। तो जाने के बाद कॉन्क्रीट प्लान के तहत हम बात करते हैं कि राज्य योजना से आ जाए कहाँ का राशि मिल सकता है, उसके बाद फिर हम एक बार और आएंगे तो बताएंगे उसको कि कैसे हो सके, पर थोड़ा ये कहना है कि पहल सकारात्मक होगा इतना हम आश्वस्त करते हैं, नाला का फर्स्ट प्रायोरिटी अपना देकर होगा कि नाला कम से कम बन जावे, उसके बाद सड़क के लिए बाद में होगा, तो नाला के लिए प्रयास रहेगा कि दोनों हो तीनों सड़क का हो, तीनों का एक ही भाव से होगा, ऐसा नहीं है कि भाई केवल हम इधर का कर रहे हैं उधर का नहीं होगा, एक स्वाभाविक रूप से तीनों का ही हम लोग प्लान करके आगे करेंगे। तो एक बार केवल था कि मिलना जुलना था, सबसे बड़ी बात है मिलना जुलना, एक हम भी देख लिए दर्द हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है दर्द हम भी समझ रहे हैं भाई, उसको
समझ के निराकरण के लिए पहल करते हैं, जो होगा फिर हम बताएं, बात कर लेंगे, कोई कोई कठिनाई होगा तो हमको बता दीजिएगा, उसमें कोई ये नहीं है। यहाँ बूथ अध्यक्ष हम लोग की रचना में बूथ ही सबसे बड़ा मालिक है, सबसे बड़ा मालिक चुनाव कहाँ से जीतेगा, बूथ से जीतेगा, जब अध्यक्ष होते हैं हम लोग के, जिसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ये हम थोड़ा प्रयास हम कर सकेला, कैसे संभव, कैसे हर चीज के प्रक्रिया हो गई, हर चीज की प्रक्रिया हो गई, हाथ में हम लोग सुना है, हाथ में कर दिए हो, तो हर चीज की प्रक्रिया है, तो प्रयास करेंगे, प्रयास में जितना संभव पैदा होगा हम लोग करेंगे। तीन साल तक बन जाता, दो तीन महीना नाला से बन रही है तो नाला में टाइम तो नहीं लगता। पहले बताते राशि अनुसार ही बोलने की जरूरत होगा ना, इसीलिए तो पहले है कि भाई चौड़ाई का क्या है, लंबाई का क्या है, तो पहले तो एक राशि की उपलब्धता भी तो देखना पड़ेगा ना, राशि कहाँ से आएगा। सुभाष मार्ग चौड़ा रोड है 30 फीट का, तो उसमें जल जमाव ज्यादा होता है सर, जनरेशन भी बहुत ज्यादा है, बच्चों लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्कूल जाने में। हम लोग तो सर जाते जाते थक गए, जहाँ पहुँच है ना वहाँ सर रोड में जल्दी काम हो जा रहा है, और जहाँ पहुँच नहीं है वहाँ पर रोड पर जहाँ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ बस यही तो देख रहे हैं यहाँ का, ऐसे जाएंगे तो होगा कि नहीं, अखबार है यहाँ पर काम नहीं होगा, और रोड नंबर 24 में राजीव नगर में देख रहे हैं धनराज अभी तुरंत वहाँ पर काम कर रहे हैं, बोर्ड लगा दिए डाली बाब के मालूम हर वक्त हमें होगा पहले होना है, ओहो तो आखिर कुछ तो मंतव्य अपना देना ना है भाई, अरे ना ठंडा पी लो।